बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी टेबल विद दीहा। आज हमने जो आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है खट्टी मीठी आम की चटनी। इसमें जो है सबसे पहले हम 1 kg जो है वो आम लेंगे और इसको पिल ऑफ करेंगे, उसको ग्रेट करेंगे और इसको पैन में डालेंगे। लेकिन अभी है मैंने इसमें जो है वो स्टोव ऑन नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले हम इसमें जो है वो शुगर ऐड करेंगे। 1 kg जो है वो आम है और 1 kg ही इसमें शुगर ऐड करेंगे। और जब आम में से गुठलियाँ वगैरह निकली हैं तो इसका वेट कम हो गया है, तो इसका मतलब इसमें चीनी भी थोड़ी कम डलेगी। वाला आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको शुगर कम लग रही है तो मज़ीब आप इसमें शुगर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आम पर, अगर वो खट्टे हैं तो ज़्यादा उसमें शुगर डलती है। और हम इसको अच्छे तरीके से जो है उसकी चीनी को हम मिक्स करेंगे। और जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं, आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। फिर हम जो है इसको 10 मिनट पे हल्की आंच पे इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ी सी मिर्च इसमें डालेंगे और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है वो हल्दी ऐड करेंगे और इसको हम हल्की आंच पे जो है वो पकाते रहेंगे। और दूसरी साइड पे जो है हम 5 मसाले जो हैं इसमें हैं कलवंजी और ज़ीरा और मेथरे और जो है सौंफ और जो है इसमें अजवाइन। ये 5 जो हमारे मसाले हैं हम इसको जो है हल्की आंच पे जो है वो इसको रेड करेंगे। और जब इसको रेड करते वक्त इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये रेड हो गया है, फिर इसका हम पाउडर बना लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। और ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। इसे आप बच्चों को जो है वो स्लाइस के साथ भी दे सकते हैं और पराठे के साथ भी। ये हो गई है हमारी रेसिपी रेडी। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे हम।